यहां पर आज कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जिससे आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स वास्तु बदल जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप सब लोगों से, मेरा वादा है। इस वीडियो के बाद आप वास्तु को एक डिफरेंट दृष्टिकोण से, एक डिफरेंट लेवल पे जाकर समझेंगे और सोचेंगे। और आज मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपका घर किस डायरेक्शन में होना चाहिए और क्या आप सही डायरेक्शन में रह रहे हैं या गलत डायरेक्शन में रह रहे हैं। आप खुद सीख जाएंगे इस वीडियो के बाद, राइट। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को कि आपको आपके घर की सही डायरेक्शन आज इस वीडियो में पता लगने वाली है। 90% लोग जो वेल ऑफ हैं वो हमेशा सही डायरेक्शन में ही रह रहे हैं। वो किसकी दया से है? भगवान की दया से। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ वास्तु है तो परमात्मा के पास भी एक वास्तु है जो ऑटोमेटिकली आपकी कुंडलियों में वो एम्बाइब कर देता है। तो वो होती है अच्छी किस्मत। लेकिन आज उस किस्मत को भी जानेंगे, उस वास्तु को भी जानेंगे, उस परमात्मा को भी आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं शुरू की तरह पंकज अग्रवाल जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। नीरज चंद्र जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत नीरज जी, हरे कृष्णा। गगन जी, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? आशीष ढींगरा जी जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। और यहाँ पर आज एक ऐसी क्लास होगी जिसमें आपकी आंखें जो हैं वो एकदम एक त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र जो ज्ञान का एक नेत्र है, वो आज हम यहाँ पर इस कक्षा के अंदर खोलने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे दिल से लॉजिकली कि वास्तु है क्या, किस प्रकार ये जीवन में चेंजेस लेकर आता है और किस प्रकार आपको वास्तु को फॉलो करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए एग्जैक्ट वास्तु को समझने, जानने और इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो आई जस्ट टेक अनदर 30 सेकेंड्स और 1 मिनट बिकॉज आप लोगों से ज्यादा मैं ईगर हूं आज आपको बताने के लिए, रेदर देन, क्योंकि कभी कभी चेष्टा होती है ना, 12:15 बजेंगे, कब नवनीत सर आएंगे और कब हम लेसन सुनेंगे। आज मुझे 11 बजे से इंतजार था कि कब 12:15 होंगे और कब मैं ये लेक्चर दूंगा। आज मेरी जो एक इच्छा शक्ति थी वो आप लोगों से ज्यादा है इस लेक्चर को देने की। और अगर आपकी इच्छा शक्ति देने की होती है तो परमात्मा हमेशा ब्लेस करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं उस वास्तु देवता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आज का मेरा ये लेक्चर जो है वो सबके काम आए और 100% रिजल्ट सबको जीवन में मिलने शुरू हो जाए। हे वास्तु देवता, आप मुझे भी ब्लेस करें और इस लेक्चर को जो भी लोग सुन रहे हैं उनको भी पूरी ब्लेसिंग्स दें आप। आज शक्ति दें कि हम डायरेक्शंस को समझ सकें, आज शक्ति दें कि हम नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट को जान सकें, डिविजनल जो डायरेक्शंस हैं उनको जान सकें, सभी देवताओं को जान सकें, हम सभी प्लैनेट्स की डायरेक्शंस को जान सकें। हमें ऐसा आशीर्वाद दो, हम पर कृपा करो, दया करो, क्षमा करो हमें, और हमारे पुराने प्रारब्ध और संचित कर्मों को भूलकर, उनको बच्चे की तरह माफ कर आज हमें आप शक्ति दो कि मैं आप सब लोगों को वास्तु सिखा सकूं और जो मैं सिखाऊं वो आपको समझ आए। तो इस प्रार्थना के साथ मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। ओके, बहुत बहुत स्वागत नीरज जी। कह रहे हैं सुबह के 7:45 बजे हैं घाना में, लेकिन 12:15 बजे से मेरे लेक्चर, रात के 12:15 बजे से ये मेरे लेक्चर का इंतजार कर रहे हैं, सो नहीं पाए इस आशा में कि नवनीत सर लेक्चर देंगे। आप लोग मेरे को इतना प्यार देते हैं, इतना इज्जत, इतनी सम्मान देते हैं कि मुझे आप में ही भगवान नजर आते हैं, कि आप ही भगवान के रूप में मुझे ब्लेस कर रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो यहाँ पर हम आगे लेक्चर जो है, श्रृंखला जो है वास्तु की, हम यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। अलका दीदी आ गए हैं, हरे कृष्णा। विशाल जी हैं, हरे कृष्णा। राम कुमार, हरे कृष्णा। दीपक महेश, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत। राम शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत। सार्थक खन्ना भैया, हरे कृष्णा, बहुत प्यारा मैसेज सार्थक भैया आपने कल लिखा बच्चों के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो
आपको भी कोटि-कोटि प्रणाम सार्थक भैया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और आई विल जस्ट टेक वन मोर मिनट, बाय द टाइम वी हैव मोर पीपल ज्वाइनिंग अस आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर द वीडियो राइट नाउ सो दैट वी कैन हैव मोर पीपल यू नो अटैच टू अस। यहाँ पे नीतिका नरूला चितकारा जी जुड़ गई हैं, मेरी अर्धांगिनी है, शी इज माई स्ट्रेंथ, और उनका बहुत बहुत स्वागत। आई थिंक वॉट एवर आई एम टूडे इट्स बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स एज वेल, यू नो शी ऑलवेज स्टूड बाई मी इन माई गुड एंड बैड टाइम्स, एंड यू नो थैंक यू सो मच नितिका। सो वी ऑल्सो हैव रोमी अरोड़ा हेयर, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। सो अनदर 30 सेकेंड्स वी विल बी स्टार्टिंग दी वीडियो एंड दी लेक्चर इन फैक्ट, एंड आई वुड वॉन्ट यू टू शेयर, ईच एंड एवरी वन शुड शेयर द वीडियो राइट नाउ सो दैट वी कैन स्टार्ट आर क्लास एंड वी हैव मैक्सिमम पीपल विद अस, राइट? सो वेन यू हैव मैक्सिमम पीपल विद अस, यू नो उसका फायदा आप लोगों को भी होने वाला है। सो लॉट ऑफ पीपल वुड ऑल्सो गेन फ्रॉम यू नो टीचिंग अदर्स। विद्या है ना, वो बांटने से बढ़ती है। जितना बांटोगे, जितनी विद्या आगे जाएगी, उतना फायदा होगा। सो टुडे शिव शर्मा जी, हरे कृष्णा। तो आज का जो सेशन है, इट्स ऑन वास्तु, राइट? व्हाट एग्जैक्टली इज द रियल वास्तु ऑफ लाइफ? रियल वास्तु क्या है, कैसे कैसे हम अपने जीवन को वास्तु के साथ बिल्कुल अलाइन कर सकते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट द सेशन। ट्रस्ट मी गाइस, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू दैट दिस सेशन विल चेंज योर लाइफ। ये मेरा वादा है आज कि ये सेशन आपकी सोच, आपकी जिंदगी बदलने में एक बहुत बड़ा मोड़ होगा। और जब भी मैंने आपसे वादा किया है, पूरा निभाया है, आज भी निभाऊंगा। आपको अपने जीवन के विदाउट यू नो अ डिस्कनेक्ट, यू हैव टू गिव मी 30 मिनट्स ऑफ योर लाइफ, राइट? एंड देन आफ्टर 30 मिनट्स आपने जो कमेंट करना हुआ यहां पर करना। हमेशा जब भी मैं एक वादा करता हूं एक सेशन का, तो उस सेशन के लिए मैंने बहुत मेहनत की होती है। तो इस सेशन के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। लेट्स स्टार्ट गाइस। ओम श्री गणेशाय नमः। सो नाउ यू नो व्हाट इज वास्तु? वास्तु इज अगेन अ कंप्लीट साइंस इटसेल्फ, राइट? अपने आप में एक शास्त्र है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है, मेरी जागृति यही है ज्योतिष की, कि मैं आपको सिंपल और इजीएस्ट वे से आपको वास्तु समझाऊं। इस तरह से आपको किसी ने नहीं समझाना जो मैं आपको 10-15 मिनट के अंदर बेसिक चीजें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले जब आप घर बनाने वाले होते हैं तो लोग क्या करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? यू बाय अ लैंड, और अगर आप बना बनाया कुछ देखते हैं तो यू गो टू एन आर्किटेक्ट फर्स्ट, मैप बनवाने के लिए। अब जो लोग वास्तु में विश्वास रखते हैं तो वो क्या करते हैं, आर्किटेक्ट और वास्तु स्पेशलिस्ट जो है उसको पैरेलल काम करने में लगा देते हैं। वो कहते हैं कि आर्किटेक्ट को नक्शा दिया है, आप वास्तु वाले को साथ में रखिए, राइट? और आप एक नक्शा डिजाइन कीजिए जो बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग हो। ऐसे ही होता है, दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, राइट? या कुछ लोग पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, फिर वो नक्शा लेके वास्तु स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप देखें कि ये सब सही है कि गलत है, अगर इसमें कोई चेंजेस करने वाली है तो हम अपने आर्किटेक्ट को बता देंगे और वो सारी की सारी चेंजेस इसमें कर देगा और हमारा घर वास्तु के अकॉर्डिंगली बन जाएगा। एक बार मैं एक घर देखने गया, उसमें ये कहा गया कि सर ये घर बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग है, नॉर्थ ईस्ट में यहां पर मंदिर है, साउथ ईस्ट के अंदर किचन है, साउथ वेस्ट में बुजुर्गों का हेड ऑफ द फैमिली का कमरा है, राइट? नॉर्थ जो है वो लाइट है, साउथ थोड़ा भारी है, यहां पर नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपकी बिटिया का कमरा है, यू नो ऑल दीज थिंग्स, एवरीथिंग इज यू नो एज पर दी वास्तु। और अब क्या हुआ, एक आपने घर खरीदा जो बिल्कुल एज पर वास्तु था, एक आर्किटेक्ट ने दिखाया, एक प्रॉपर्टी डीलर ने आपको घर दिखाया और आपने वो घर ले लिया, एंड सडनली यू रियलाइज दैट योर बिजनेस इज गोइंग डाउन, ओके, योर हेल्थ इज गोइंग डाउन, देर इज प्रॉब्लम, नई बहू आई है वो एडजस्ट नहीं कर रही है, डिवोर्स के चांसेस हैं, बच्चा नहीं हो रहा है घर पे, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स कमिंग, एंड दी हाउस इज एब्सोल्यूटली अकॉर्डिंग टू दी वास्तु, बिल्कुल वास्तु से बना हुआ घर है, जो चीज
जो वास्तु के बेसिक्स में लिखी है, जो चीज जहां होनी चाहिए वहीं पर है, एंड यू नॉट गेटिंग रिजल्ट। नाउ व्हाट यू डू इज फ्रॉम हियर यू गो टू अ एस्ट्रोलॉजर। तो आप यहां से एस्ट्रो के पास चले जाते हैं, ज्योतिष गुरु के पास चले जाते हैं। नाउ यू स्टार्ट टेकिंग कंसल्टेशंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि प्रभु जी हमने एक घर लिया, बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग था, अब हम उसमें शिफ्ट कर गए हैं और शिफ्ट करने के बाद हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन घर में तो कोई दोष नहीं है, किसी भी तरह का दोष नहीं है घर के अंदर। लेकिन आपको एक राज की बात बताऊं, आपको घर कैसे बनाना चाहिए और वास्तु कैसे करना चाहिए, इसी चीज को राइट नाउ दीज थ्री थिंग्स, थ्री स्टेप्स यू हैव, ए स्टेप, बी स्टेप एंड सी स्टेप दैट यू डू, आर्किटेक्ट, वास्तु एंड देन थिंग्स नॉट वर्किंग, लेट्स गो टू एन एस्ट्रोलॉजर। जस्ट रिवर्स इट, इसको रिवर्स कर दीजिए, गो टू एन एस्ट्रोलॉजर फर्स्ट, सी दी कुंडली, ओके, अपनी कुंडलियां दिखाएं परिवार की, यहां से आप इनपुट लेकर वास्तु स्पेशलिस्ट के पास जाए, ही विल टेल यू दी राइट डायरेक्शंस, राइट, एंड आफ्टर यू कंसल्टेड योर एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु स्पेशलिस्ट, देन गो टू एन आर्किटेक्ट, देन गो टू एन आर्किटेक्ट, देन इट विल गिव यू दी रिजल्ट्स। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग एब्सोल्यूटली दी अपोजिट। What are we doing? See, we're going to an architect and the vastu clubbing together. They are working together on your home. आपके घर के लिए वो काम ही कर रहे हैं इकट्ठा। और यहां से जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप एक वास्तु स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, आप सॉरी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, एंड देन एस्ट्रोलॉजर सेज, ओह, आपकी कुंडली के हिसाब से तो आपको साउथ में रहना ही नहीं चाहिए। अब आप कहते हो पंडित जी अभी तो हमने घर बना लिया अपना, वी हैव आवर ओन होम, वहां पर 4 करोड़ रुपया लगा लिया हमने उसके ऊपर, अब हम डायरेक्शन कहां से दें, अब हम घर कैसे बदले, हाउ विल चेंज द होम, एंड देन यू स्टॉप बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी, यू बिलीव ओ गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ, सडनली द एस्ट्रोलॉजर से आपको ईस्ट फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए। वधेरे जानकारी ले सब्सक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल पब्लिक टाइम्स, अते नोटिफिकेशन ले बेल आइकन ते क्लिक करना ना भूलो।